हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन अनदर रेसिपी के साथ मैं आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ और बड़े मज़ेदार से, जिस तरह की आपको शेप नज़र आ रही होगी, डोनट्स आज हम बना रहे हैं और ये इतने मज़े के बने थे। आप मेरी ये वाली रेसिपी को सेम टू सेम एट इट इज़ फॉलो करेंगे तो ये इतने मज़े के बने थे डोनट्स। अंदर से इतने सॉफ्ट और बाहर से थोड़ी सी क्रिस्पी, और जो इसकी ग्लेज मैंने बताई है, ग्लेज भी आप ट्राई करना। मैंने तीन तरह की ग्लेज इसके अंदर बताई हैं। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है, जो मैंने मैदा लिया था वो 2 कप्स लिया था। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 कप्स मैदा के अंदर तकरीबन मेरे 12 बन गए थे। तो हाँ, वो वाला कप्स मैं यूज़ करती हूँ, मेजरिंग कप्स जो हमेशा मैं आपको दिखाती हूँ। ये ड्राई, ये शुगर है, 4 टेबल स्पून मैंने शुगर को पीस लिया था। पाउडर शुगर यूज़ करनी है, ग्रैनुलेटेड शुगर बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, वो मुंह में आती है, वो मेल्ट नहीं होती। फिर ड्राई मिल्क था 4 टेबल स्पून, और सॉल्ट मैंने 1/2 टेबल स्पून, और वो 1/4 कप जो है वो मैंने घी ऐड किया। मैंने देसी घी यूज़ किया था, आप कोई भी ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक अंडा जाएगा इसके अंदर, और ईस्ट का मैंने 1/2 साशे लिया था, जो साशे मैंने आपको दिखाया। ये 1/4 कप है, मीन्स 4/3 वाला कप होता है ना, एक बड़ा कप होता है 1 कप, फिर उसका 1/2 कप होता है, फिर उसका भी जो 1/2 होता है, ये मैंने बोली है देसी घी यूज़ कर रही हूँ मैं इसके अंदर ना। ये ड्राई मिल्क है, 4 टेबल स्पून आप ड्राई मिल्क ऐड करें इसके अंदर। फिर 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की थी, शुगर को मैंने पीस लिया था। मैं फिर आपको बता रही हूँ, ग्रैनुलेटेड मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमने इसको बेक नहीं करना, हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करो तो शुगर बिल्कुल मेल्ट नहीं होती, वो वैसे की वैसे ही रहती है और फिर मुँह में आती है। ये एक दफ़ा मेरे साथ हो चुका है, दैट्स आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला है, देन मैंने ईस्ट का 1/2 पैकेट, मीन्स 1 टेबल स्पून ईस्ट इसके अंदर जाएगा। उसके बाद आप इसको दूध के साथ भी कर सकते हैं, नीम गरम दूध के साथ भी नीट कर सकते हैं, मैंने नीम गरम पानी के साथ नीट किया है। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर मैंने वो वाला स्टेप नहीं किया, वो जो पानी के अंदर डाल के मैं ईस्ट को थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, जिसके अंदर वो थोड़ा स्वेल हो जाती है। मैंने इसको डायरेक्ट ईस्ट को यूज़ किया। अच्छा, इसको फिर कवर करके 20 मिनट्स के लिए किसी वार्म जगह पे, वार्म प्लेस पे आपने इसको रखना होता है, ताकि ये राइज़ हो जाए। जितनी वार्म इसको वार्मथ मिलेगी, ये उतना राइज़ होगा। ये अच्छे तरीके से देखें, राइज़ हो गया। तकरीबन मेरा 30 मिनट्स लगे थे इसको राइज़ होने के लिए ना, राइज़ हो गया है। ये मैंने इसको कैबिनेट के अंदर रख दिया था कवर करके, ऑयल का हाथ ऊपर लगा के कवर करके मैंने इसको कैबिनेट के अंदर रख दिया था। अब अच्छे तरीके से इसको पंच डाउन करके फिर इसको बेल लें, 3 मीन्स 1/2 करके मैंने इसको, तो फिर इसको मैंने बेल लिया था। इसकी मोटाई अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कितनी रखी है। जितना मोटा और जितना पतला आप करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में होता है। ये मैंने थोड़े से पतले रखे हैं, मीन्स बहुत पतले नहीं हैं। कोई भी कटर आपके पास होगा, डोनट कटर भी बाज़ार से मिलता है, आप वो ले लें। मेरे पास ये था, ये देखें थोड़ा मोटा रखा है मैंने। जो मैंने इससे नेक्स्ट बैच बनाया है, वो मैंने इससे भी ज़्यादा मोटे रखे थे, वो भी बड़े अच्छे बने। ये नोज़ल है जिसमें हम क्रीम पाइप करते हैं, वो ज़्यादा ही ऐसे भी हो जाता है। इसको सेंटर से मैंने कट कर लिया। अब इसको हम अगेन प्रूफिंग के लिए रखेंगे। प्रूफिंग मीन्स हमने ये कटिंग कर ली है, अब इसको एक ट्रे के अंदर रख के कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके से कपड़े से कवर करके, तो इसको फिर हम इसको वार्म प्लेस पे रखेंगे। वार्म प्लेस मीन्स आप माइक्रोवेव ओवन ऑन करके फिर उसको बंद कर दें और उसके अंदर रख दें, वो फटाफट प्रूफ हो जाएगा, 2-3 मिनट्स लगेंगे। अदरवाइज़ कैबिनेट के अंदर रख दें तो तकरीबन उसको 15-20 मिनट्स दें उसको, ताकि वो अच्छे तरीके से प्रूफ हो जाए। अभी इस तरह से मैंने कटिंग कर ली थी, ये स्टार की मैंने कटिंग की है, ये सेंटर वाला स्टार ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो दैट्स वाई मैंने उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया था। अच्छा, अब ये ग्लेज है, मैंने उनको प्रूफिंग के लिए रख दिया, वो प्रूफ हो रहे हैं, मीन्स राइज हो रहे हैं। अगेन वार्म जगह पे मैंने रख दिया। अब 1 कप जो है मैंने आइसिंग शुगर ली है, ये नॉर्मल घर वाली शुगर नहीं है। इसकी ग्लेज बनाने के लिए आपको आइसिंग शुगर लेनी पड़ेगी, 1 कप आइसिंग शुगर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस, और मिल्क जितनी ज़रूरत पड़ेगी मिल्क की, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून इसके अंदर मिल्क के ऐड हुए थे, और इसकी अच्छे तरीके से लिक्विडी कंसिस्टेंसी आप बना लें। एक ग्लेज मैंने ये बनाई थी सिंपल, और ये सेकंड ग्लेज है, इसमें भी 1 कप लेके और वनीला एसेंस डाला, एंड देन मैंने इसके अंदर कलर डाला था, ये रेड कलर है, रेड कलर के फ्यू ड्रॉप्स मैंने डाले हैं, तो वो पिंक हो गया, पिंक कलर की एक ग्लेज बनाई है। थर्ड ग्लेज जो मैंने अभी इसमें दिखाई नहीं है, उसके अंदर मैंने चॉकलेट डाली थी, यही 1 कप शुगर,
और आइसिंग शुगर और वनीला एसेंस और 2-3 टेबल स्पून्स मैंने मेल्ट करके चॉकलेट डाल दी थी, तो वो थर्ड ग्लेज मेरी बन गई थी। जो चॉकलेट वाली ग्लेज की वीडियो थी वो मेरे से थोड़ी सी स्किप हो गई है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, वो भी ऐसे ही सिंपल। ये मैंने कलर डाला, उसमें आप चॉकलेट डाल दें और एक सिंपल ग्लेज। ये 3 ग्लेज मैंने रेडी की हैं इसकी। और उसके बाद जो तकरीबन 20 मिनट्स हो गए थे, तो ये देखें मैंने इनको वार्म प्लेस से निकाल लिया है। अच्छी तरह से कवर करके रखना वरना ऊपर सख्त हो जाएगा ये। तो ये देखें कितने अच्छे फूल गए हैं और जो है अच्छी प्रूफिंग हो गई है। अच्छा अब ये देखें कितना फूल गया ये ना। ऑयल को गर्म कर लें, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि कलर बड़ी जल्दी आ जाता है, तो फिर अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। मीडियम स्लो फ्लेम पे ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करके देन आप देखें हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। ये भी नहीं कि ठंडे ऑयल में डाल देना, वो सारा ऑयल ऑब्जॉर्व कर लेंगे। तो बिल्कुल मीडियम वार्म होना चाहिए ऑयल, और देखें हल्के लाइट से बबल्स आ रहे हैं इर्द गिर्द। ये स्टार शेप का जो मैंने डोनट काटा हुआ था ये वो है, मीन्स डोनट का होल था। ये कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल लाइट सा, डार्क कलर के नहीं अच्छे लगते, लाइट सा कलर दें इनको। हल्की आंच पे इसको आप कुक करें तो अंदर तक कुक हो जाएंगे और कलर भी लाइट आएगा। अगर डार्क कलर आ भी जाता है तो नो प्रॉब्लम, ग्लेज आ जाती है ऊपर। तो बाकी ये है कि बिल्कुल लाइट सा कलर दें इसको तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी थे ये, मेरे तो फटाफट ही झटपट में ख़त्म हो गए। तकरीबन 12-13 बन गए थे मेरे इसके अंदर। अब ये मैं सेकंड बैच डाल रही हूँ। ये वाला जो है ये मैंने थोड़े मोटे कट किए थे, मीन्स वो बेला मैंने थोड़ा कम था उसको थोड़ा मोटा था। तो ये मेरे रेडी हो गए हैं। अब वो तीनों ग्लेज पड़ी हैं, पिंक कलर की ग्लेज, ये सिंपल ग्लेज और ये चॉकलेट वाली ग्लेज। वही 1 कप आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस, और एक में कलर डाला, एक में नहीं डाला, और एक में चॉकलेट मेल्ट करके 2 टेबल स्पून वो मैंने डाल दी थी। अब हम ये सबसे पहले चॉकलेट वाला, ये बहुत खूबसूरत, इस तरह से ये है कि खूबसूरती आ जाती है इनके अंदर। इनको ग्लेज बहुत मज़े की थी क्योंकि हमने 4 टेबल स्पून शुगर डाली है, 2 कप मैदा में वो थोड़ी सी लाइट होती है, तो उसको मीठा करने के लिए आपको ऊपर कोई ना कोई ग्लेज डालनी पड़ेगी। आप घर की शुगर से भी कर सकते हैं उसको मेल्ट करके, तो वो उसके ऊपर आप ऐसे ही डाल लें, उसका कोई कलर नहीं आएगा, बट ये है कि उसका टेस्ट मीन्स मीठे हो जाएंगे ये, वो भी अच्छी लगती है। तो मैंने ये ग्लेज वाले बनाए हैं, आप ऐसे भी बना लें। ये स्प्रिंकल्स हैं, मार्केट से बड़े इजीली अवेलेबल होते हैं। ये स्टार शेप बनी हुई थी और एक साइड पे जो था वो हार्ट शेप बनी हुई थी, एक जो थे वो लंबे लंबे गोल गोल से बने हुए थे, और एक सिर्फ शुगर को कलर दिया हुआ था पिंक कलर। चॉकलेट वाले ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, उसके ऊपर पिंक कलर की जो ये ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग कह रही हूँ, ये स्प्रिंकल्स हैं, ये खूबसूरत लग रहे हैं। तो बने भी बहुत मज़े के थे और खूबसूरत बड़े लग रहे थे रखे हुए, डेकोरेशन बड़ी अच्छी हो गई थी इनकी। होप्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरे डोनट ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा, और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।